नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने मात्र 115 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया है और तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने शनिवार यानी कि आज पार्टी के मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई है और बैठक में ये तय होगा कि अगला सीएम कौन होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह विधायकों के बीच से ही होगा। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक सीएम के चुनाव को लेकर के केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर देहरादून में होंगे और शाम को विधायक दल की मीटिंग होनी है और नए सीएम की रेस में तीरथ कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे धन सिंह रावत समेत कई लोगों के नाम सुनने में आ रहे हैं। एक और बात, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की वजह संवैधानिक संकट है या फिर उत्तराखंड का नाराज पुरोहित समाज, साधु संत और उनके भक्तों का गुस्सा? सीधे तौर पे ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिला करके तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाने के पीछे यही पुजारी और संत समाज की नाराजगी बड़ी वजह थी और उम्मीद की जा रही थी कि तीरथ सिंह रावत संत समाज को साथ लेंगे और लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 115 दिनों में तीरथ सिंह रावत कोई कमाल नहीं कर पाए बल्कि उन्होंने विवादित बयान ही समय समय पर दिए। लिहाजा अब तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड को एक ऐसे सीएम की जरूरत होगी जो अगले चुनाव में संत समाज और उनके भक्तों के साथ उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके और चुनाव जीत सके। दूसरी तरफ तीरथ की असफलता के बाद केंद्र अब किसी सधी हुई इमेज वाले व्यक्ति को चुन सकता है और पहली पसंद अगर सतपाल महाराज हैं तो दूसरी पसंद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वे सांसद हैं तो उनको 6 महीने में चुनाव लड़ाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अपने नेता की साख बचाने के लिए तीरथ बड़े तीरथ के साथ खड़े लोग कहते हैं कि नवंबर में चुनाव नहीं हो सकता इसलिए उन्हें जाना पड़ा और कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 1 साल के अंदर होना है इसलिए चुनाव आयोग मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए उपचुनाव नहीं करवा सकता। इन सब के बीच तीरथ का इस्तीफा भाजपा की अंदर की लड़ाई का भी एक बड़ा कारण लग रहा है। अगर चुनाव नहीं कराना है या नहीं हो सकता है तो निशंक को लाने में भी फिर दिक्कत होगी। सतपाल महाराज के पास सबसे बड़ा धार्मिक आधार है। फिलहाल वहां देवस्थानम बोर्ड में सरकारी नियंत्रण से पुरोहित समाज नाराज है। हालांकि तीरथ सिंह रावत इसी साल जब 9 अप्रैल यानी कि अपने जन्मदिन पर हरिद्वार के एक आश्रम में साधु संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे जल्द ही उत्तराखंड में 51 मंदिरों और देवस्थानम बोर्ड की को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाएंगे, लेकिन ये फैसला अब तक लिया नहीं जा सका। लिहाजा पुरोहितों ने भी अभी धरना शुरू कर दिया है। 29 जून को चारधाम तीरथ पुरोहित महापंचायत समिति ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। महापंचायत ने पीएम मोदी के साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह समेत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष को भी पत्र लिख करके उत्तराखंड सरकार पे दबाव बनाया था। चारधाम यात्रा निरस्त होने पर भी पुजारी नाराज हैं। हालांकि यात्रा को रद्द करने का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया था। तीरथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की पूरी तैयारी भी की हुई थी, लेकिन संत समाज के बीच में ये मैसेज गया कि तीरथ सिंह रावत संत समाज को संरक्षण नहीं दे सकते हैं और सतपाल महाराज से भी कुछ संत समाज के लोगों ने मुलाकात की। अब उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सीएम पद के मजबूत दावेदार हो सकते हैं और उत्तराखंड में सतपाल महाराज की संत समाज के बीच में अच्छी पकड़ होने के साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के गठन में भी अपनी काफी अहम भूमिका निभाई थी, इसे भुलाया नहीं जा सकता। फिलहाल दावेदारों की लिस्ट में सतपाल महाराज का नाम सबसे शीर्ष पे माना जा रहा है। सतपाल महाराज एक मानव उत्थान संस्था भी चलाते हैं, इसका उन्होंने 1975 में
गठन किया था और ये विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजनों के लिए ही गठन किया गया था। इस संस्था का उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक सॉलिड आधार है, एक मजबूत पकड़ है। इस संस्था में से देश के 3000 से ज्यादा आश्रम जुड़े हुए हैं। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत से केंद्रीय नेतृत्व ने अभी मुलाकात भी की है। कुछ लोग तो सतपाल महाराज के खिलाफ हैं, वे बिशन सिंह जुफाल का नाम आगे कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि निशंक पर केंद्र इस क्यों दाव खेलना चाहता है। पोखरियाल की छवि उत्तराखंड में साहित्यिक मिजाज वाले नेता की है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पोखरियाल ने लगभग 44 किताबें भी लिखी। हालांकि अलग बात है कि साहित्यकार बिरादरी उनकी रचनाओं को खास तवज्जो नहीं देती है। कोरोना काल में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और पोखरियाल ने उसे बेहद सधे हुए ढंग से डील किया, उससे काफी फायदा मिला। और छात्रों से सोशल मीडिया पे फीडबैक लेने के बाद निशंक ने केंद्रीय नेतृत्व को परीक्षा कैंसिल करने के लिए भी मनाया था। ये सारी बातें हैं और अभी देखना ये है कि जो मीटिंग होने वाली है उसमें सीएम पद का सेहरा किसके सिर पे सस्ता है। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।